जो भी वद आने का हव है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि प्रेस इन्फॉर्मेशन न्यूज नाहीन कर दानी वाद। विवाह के सभी विषयों का प्रस्तुति करना सिखाते मेरे साथ हमारे डीजी एसआईसी और हमारे चीफ प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भी हैं, विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित हैं। इस पूरे प्रस्तुतिकरण को देखने के बाद 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और कल्याण, इन तीन विषयों को लेकर के हमने काम किया है। और जब हम सेवा की बात करते हैं और हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो श्रम विभाग की नीतियों में आपको ध्यान में आएगा हमने असंगठित और संगठित दोनों वर्गों का पूरी तरीके से ध्यान रखा है। सामान्यतः माना जाता है कि देश में जो संगठित वर्ग है वो टोटल रोजगार का 10% से कम, 90% ऐसा वर्ग है जो असंगठित क्षेत्र में। लगभग लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारों के समय में भी ये बात चलती थी कि क्या कोई असंगठित क्षेत्र का कोई सत्यता पर आधारित डेटा है, क्या सरकार के द्वारा कोई ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं कि इन असंगठित क्षेत्रों तक सभी सुविधाओं को पहुंचाया जाए, क्या असंगठित क्षेत्र के स्वरोजगार के क्षेत्रों की पहचान करके वहाँ कोई विकास योजनाएँ चलाई जा सकती हैं। और 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में सबसे बड़ा परिवर्तन आया है, जिसको हम जैम कहते हैं, जनधन, आधार और मोबाइल, ये जो टेक्नोलॉजिकल क्रांति है, इसने देश में सबसे बड़ा ये आधार प्रस्तुत किया है कि हम 30 करोड़ पिछले 9 सालों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने बहुत तरक्की की है। उनके नेतृत्व में देश ने बहुत दिशाओं में, बहुत एरियाज में बहुत अच्छा काम किया है। और उसी में हमारे मंत्रालय ने भी हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम किए हैं। तो हमें आज ये मौका है हमारे पास इन कामों को आप लोगों से शेयर करने का। एक प्रेजेंटेशन है, ये हमारा क्या हम कवर करें, फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जो बिजनेस रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट इन ESIC एंड EPF। सबसे पहले हम आपको अपनी फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में बताएंगे। ई श्रम एक हमारा बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है, ये बहुत ही एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण काम हुआ था। और ये अगस्त 21 में इस डेटाबेस असंगठित क्षेत्र के कामगारों का एक डेटाबेस बनाने का मुहिम शुरू हुई थी और आज उसमें करीब 29 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। हमने इसको भारत सरकार के डिफरेंट स्कीम के साथ मैप करवाया है, वन नेशन वन राशन कार्ड, PM किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला। इससे ये निकल के आ रहा है कि कितने ऐसे लोग ई श्रम में हैं जिनको राशन कार्ड नहीं मिला, कितने ऐसे लोग हैं जिनको जो प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं है। तो ये डेटा मैपिंग करने के बाद स्टेट के साथ शेयर किया जा रहा है ताकि वो वहाँ पर ये सुनिश्चित कर सकें कि जो लोग कवर्ड नहीं हैं उनको ये सारे फायदे दिए जा सकें। ऑल्सो इससे डुप्लीकेशन होने में बचाने में फ़ायदा रहेगा। और आप लोगों के नॉलेज में एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, हमारे मंत्री जी वैसे तो हमारे हर काम में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, पर ई श्रम में मंत्री जी ने ऑन अ डेली बेसिस इसका रिव्यू किया है। मैं अगस्त से देख रही हूँ, हर रोज़ इनका बहुत ही इस पर एम्फोसिस रहा है और आज ये जिस स्थिति में पहुंचा है इसका ज़्यादातर श्रेय मंत्री जी को जाता है। इसके अलावा हमारा और स्कीम पे नेशनल करियर सर्विस है, जो कि एक हमारा रोजगार चाहने वाले युवाओं के प्रति और लोगों के प्रति एक श्रम मंत्रालय की प्रतिबद्धता है, उनको रोजगार पाने में फैसिलिटेट करने के लिए एक पोर्टल है। उसमें बहुत सारी सेवाएँ दी जाती हैं। आज की डेट में उसमें 3.25 करोड़ के करीब जॉब सीकर्स रजिस्टर है, एम्प्लॉयर्स हैं करीब 1.25 लाख और वैकेंसीज हैं 6.5 लाख के करीब। तो इसमें बहुत सारे लोग इस पे आते हैं, लोगों को वैकेंसीज का पता चलता है और वो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। 1.25 लाख सॉरी। शुरू किया तो हमने कहा था कि 2014 से 2000 अब जो हमारा 22 आ रहा है, ये 9 वर्षों की यात्रा में रोजगार में बड़ी भारी वृद्धि हुई। तो आप ही पत्रकारों ने पूछा कैसे, हमने कहा था लगभग 1.25 करोड़ के करीब रोजगार बने। और आज अगर PF के आंकड़े अगर आप देखते हैं कि जहाँ पर 1.58 करोड़ हमारे रजिस्ट्रेशन थे, वहाँ पर अब ये रजिस्ट्रेशन बढ़ के 2.77 करोड़ हुए। जो हमारी पेंशन पहले लगभग 51 लाख के करीब थी, वो बढ़ करके 72 लाख हुए।
इसका मतलब लगभग 21-22 लाख लोग रिटायर हुए, उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो ये रोजगार के लगातार रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं। परसों भी जो पीएफ का आया है, तो ये जो देश में नया रोजगार का माहौल खड़ा हुआ है, और जब संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ता है तो असंगठित क्षेत्र में भी रोजगार में सुधार के संकेत है, और यही कारण है कि हमारे देश अब लगातार विकास के स्तर पर बढ़ रहा है। दूसरा जो है कि केवल रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के साथ साथ श्रमिक वर्ग का सुरक्षा के अवसरों को भी बढ़ाना, और इसलिए हमने अब सरकार ने जो संगठित क्षेत्र में तो ईपीएफ जैसा विषय दिया ही था, असंगठित क्षेत्र के लिए भी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन जैसा, ताकि असंगठित क्षेत्र भी इसमें दूर ना रहे। असंगठित क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार ने उनकी फाइनेंशियल मजबूती के लिए पहले मुद्रा योजना शुरू करी, बाद में जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी भी एक बढ़िया योजना आई, जिसके परिणाम भी हमें असंगठित क्षेत्र के रोजगार को देखने को मिल रहा है। श्रम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। महिलाओं की भागीदारी का अर्थ है कार्यस्थलों पर उनको सुरक्षा देना, तो जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म की उसमें किया गया, वेतन में उनको समानता देना, जो नया लेजिस्लेशन आया उसमें वेतन में समानता दी गई है, कार्यबलों पे सुरक्षा का माहौल खड़ा करना वो भी पूरा देने का काम किया है, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनको आगे बढ़ाना। और मैं इसको सीधा जुड़ा हुआ नहीं मानता हूँ, पर मेरा मानना है कि भारत सरकार के इस साल के बजट में जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के 81 लाख ग्रुपों को जो सरकार ने स्ट्रेंथनिंग करने का जो बजट में प्रोविजन किया है, मुझे लगता है भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र में इससे बड़ा महिलाओं का स्वरोजगार का कार्यक्रम आज तक किसी सरकार ने शुरू नहीं किया। महिलाओं की भागीदारी और सामाजिक सुरक्षा के साथ ही साथ हम होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच को